नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार किजन टेक्नोलॉजी पूर्णिया से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्डप्रेस में थीम कैसे अपडेट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है थीम आपको डाउनलोड करने होंगे, या अगर आपका लोकल जैसे आपका डैशबोर्ड ओपन है और आपका पीसी जो है वो नेट से कनेक्टेड है तो भी आपको थीम जो है शो हो जाएगा। हम आपको डिटेल में बताते हैं कि थीम कैसे अपडेट करें। तो सबसे पहले जो है थीम अपडेट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो अपीयरेंस में जाके थीम सेक्शन में आप जाइएगा, तो अगर यहाँ पे आपको ढेर सारे थीम के ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आपको थीम रिक्वायर्ड है वो आप सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर दीजिए, उसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हैं उसको। अगर आपका नेट से कनेक्टेड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होगा वही तो सिर्फ आपको शो करेगा। और दूसरा तरीका है ऐड न्यू करके, अगर आपका सिस्टम में पहले से डाउनलोड कर रखे हैं आप तो ऐड न्यू करिएगा, उसके बाद अपलोड थीम पे क्लिक कीजिएगा और चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो थीम का जिप और रार फाइल है वो सेलेक्ट कीजिएगा और ओपन कीजिएगा। उसके बाद आपका ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, उस पर इंस्टॉल होकर आप क्लिक कर दीजिएगा। और तीसरा आपका जो तरीका है वो आपका जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है थीम का वो कॉपी कीजिएगा और जाइएगा आप अपने लोकल सर्वर में सी में जैम सर्वर में, उसके बाद एचटी डॉक्स में जाइएगा और जो आपका डेटाबेस फाइल है टेस्ट उसमें जाइएगा। उसमें देखिएगा कि आपको एक फोल्डर होगा डब्ल्यू पी कॉन्टेंट करके, उसमें आपका थीम्स करके एक ऑप्शन होगा, उसमें जाइएगा, उसमें आप जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है थीम का वो पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद जब आप अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कीजिएगा तो कुछ जो भी अपडेटेड थीम होगा आपका वो शो करेगा। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तीन ही थीम होते हैं, एक तो 2015 और दूसरा जो है आपका 2016 और 2017, ये तीन थीम होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो थीम अपडेटन अपडेट कैसे करते हैं ये आपको आज पता चल गया है। अगले जो वीडियो हमारा आ रहा है, अगला वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे कि कस्टमाइजेशन हम कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट।